हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल रेशमास किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क मेड, यानी कि कंडेंस मिल्क। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में बनाते हैं कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल फैट दूध भी ले सकते हैं या बिना फैट के दूध भी ले सकते हैं। अब जैसे आप दूध डालोगे, मैंने वहाँ पे डाल दिया है शक्कर। मैंने 4 बाउल दूध लिया है तो मैं 2 बाउल शक्कर यानी कि चीनी डालूंगी। हमें उसी वक्त चीनी डालना है जिस वक्त हम दूध भी गर्म कर लें, साथ में रख रहे हैं, और इसे अच्छे से शक्कर को डिजोल्व होने देना है हमको। मीडियम फ्लेम पे रख के आपको इसे पकाना है अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, शुगर अच्छे से डिजोल्व हो गया है, अच्छे से ये चीनी इसमें घुल गई है। अब जैसे जैसे ये चीनी घुल गई है, देखिए दूध का कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सी वो येलोइश क्रीमी जैसा होने लगा है। अब इस दूध को हमको रेड्यूस करना है, इसलिए हम बार बार इसे चम्मच से हिलाएंगे नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में हिलाएंगे, इसे ऐसे ही पकने देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आप हिलाइए ताकि नीचे बर्तन में ये दूध लग ना जाए। बस अभी इसे रेडी होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो देखिए अच्छे से दूध बॉईल भी हो गया है और अच्छे से पक रहा है, इसका कलर भी चेंज होते जा रहा है। 1 लीटर दूध को हमको आधा में करना है जब तक हमको इसे दूध को पकाना है। और ये देखिए, ये सब साइड में जो वाइट वाइट है, फेस जो निकला है, इसे हमको साइड में एक बर्तन में निकाल देना है इस तरीके से लेके। ये वेस्टेज है, इसे हमको एक बाउल में हटा देना है। ये देखिए कलर और इसका थिकनेस, और हमको इसको ठीक करना है। बस इसे ज़्यादा नहीं हिलाइए, थोड़ी थोड़ी देर में दूध को चलाना है। बस इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे आपको दूध को पकाना है। दूध और शक्कर हम साथ में इसलिए डालते हैं पकने के लिए, ताकि दूध का कलर जब ये चेंज हो रहा है, ये चीनी के वजह से चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चीनी इसमें घुलती जाएगी, चीनी पकती जाएगी, दूध का कलर चेंज होता जाएगा। कंडेंस मिल्क हमें बहुत से चीज़ों में काम आता है, जैसे कि डेजर्ट में, आइसक्रीम में, खीर में, या सेवई बना रहे जब, या तो फिर आप हलवा बना रहे हो, गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, कोई भी हलवा बना रहे जब आपको ये कंडेंस मिल्क काम आता है, उसमें ये आप डाल सकते हो। तो चीनी की मात्रा भी आप उसमें कम डाल सकते हो जब आप कंडेंस मिल्क ऐड करते हो कोई भी चीज़ में। ये केक में भी यूज़ होता है, केक इसी से बनता है। अगर आप बना के रख दो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द केक की रेसिपी डालने वाली हूँ जो कि मिल्क मेड से बनेगा। तो आप पूरा इसे जिस तरह से मैं बताई उसी तरह से मिल्क मेड अपने घर में बना के रखिए, ताकि जब भी मैं अपनी केक की रेसिपी डालूँ आपको केक बनाने में आसानी होए। आपके पास कंडेंस मिल्क रेडी है तो आप फटाफट बना सकते हो। इसमें जो साइड में मलाई जमी हुई है उसे हमें इसमें नहीं मिलाना है, क्योंकि हम खोया या कुछ बासुंदी ऐसा सब चीज़ नहीं बना रहे, हमें कंडेंस मिल्क बनाना है। उसमें कुछ भी ऐसा दानेदार कुछ भी होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसे बार बार ना हिलाइए। जितना आप हिलाओगे साइड के मलाई इसके बीच में आती रहेगी और वो दूध क्रीमी नहीं बन पाएगा।
देखिए इसका दूध का थिकनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, हमने 1 लीटर दूध डाला था, ये रेड्यूस होके इतना कम हो गया है। कंडेंस मिल्क बनाते वक्त इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा थिन में ही रखना है, क्योंकि अगर गाढ़ा करोगे ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होता है, और जब आप फ्रिज में रख दोगे तो ये और भी कूलनेस के वजह से ठीक हो जाएगा, इसलिए इससे थोड़ा और पकाकर हम इसे बंद कर देंगे। देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अभी आप अगर इसका गैस का फ्लेम बंद कर रख देंगे तो ये ठंडा होने के बाद बराबर से मिल्क मेड के इसमें आ जाएगा, जितना थिक मिल्क मेड रहता है उतना। कोई कोई इसमें सोडा डालता है, कोई कोई नहीं डालता, इसी तरीके से रख कर मैं सोडा बिना भी बनाई हूँ कि ऐसे ही बंद कर देती हूँ, फिर वो गाढ़ा होता है, फिर उसको मैं बॉटल में भर देती हूँ। और इस वक्त आपको एक पिंच देखिए इतना सी सोडा आपको इसमें ऐड करना है, जैसे आप सोडा ऐड करोगे देखिए ये थोड़ा बबल्स जैसा हो जाएगा, थोड़ा थिकनेस में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना, एक ही पिंच डालना है। और जब आप सोडा डालोगे तो दूध का जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, फिर आप इसको इसी तरीके से छोड़ कर इसे पकने दीजिए। देखिए अभी ये थोड़ी देर पक गया है, इसे इस तरह से ये देखिए गाढ़ा हो गया है, इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है और इसका कलर फिर से वही येलोइश जो क्रीमी कलर होता है मिल्क मेड का वो आ जाएगा, ये देखिए। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसी पैन में जब थोड़ा हीट है इसको इस तरह से चलाती रहूँगी। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे बनाएं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी गाढ़ी और ठीक हो गई है, क्योंकि अभी इसको मैं एक कांच के बॉटल में भरकर फ्रिज में रखने वाली हूँ, जब ये फ्रिज में जाएगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए अब मैं इसे इस बॉटल में खाली कर रही हूँ, देखिए इसकी थिकनेस और ये जो साइड की मलाई है आप निकाल कर ब्रेड में लगाकर या रोटी में लगाकर भी खा सकते हैं, इसे फेंकिए मत। ये देखिए इसकी जो थिकनेस है इसका सेम आपको जिस तरह से मार्केट में मिलता है उसी तरीके से, बल्कि उससे भी अच्छा ये कंडेंस मिल्क हमारा बना है। तो आप भी बनाइए और देखिए। अब मैं इसका वेट करती हूँ, देखिए ये मैंने टेयर किया था, मेरी बोतल ये इतने वेट की है और मैं ये तो 1 लीटर दूध में और कम से कम हमने 150 ग्राम शक्कर डाला हुआ था उसमें हमारा मिल्क मेड इतना बन के रेडी हुआ है, 1/2 किलो के भी ऊपर हुआ है। तो देखा आपने घर में अगर हम कोई भी चीज़ बनाते तो कितना फ़ायदे में रहते हैं और कितने कम बजट में हमारा ये कोई भी चीज़ हम बनकर रेडी होता है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।